नमस्कार. थैंक यू रुचिका. थैंक यू फॉर दिस ग्रेट इंट्रोडक्शन. इट्स माय प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस पैनल, दिस इवेंट दैट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड विच इज वेरी वेरी वैल्यू एडिशन. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वैल्यूएबल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज इट इज वेरी टाइम्ड. We are talking of what is required, and that is the quality of a good event. The virtual space is polluted rather than populated with so much of noise around. And in that noise, if something relevant comes up, then it really is a value addition to all the stakeholders. Thank you for giving me this platform. I am very, very excited about the topic that you have given me. And before topic, the platform, which is called I Am 2020. So here we are talking of 2020 in the last month of the year. December, January chali gayi, February chali gayi, bahut maze se, bahut sare plans the hamare. मार्च आती है, होली के पहले एक धमाका होता है और कोरोना आ जाती है और हमारे सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं, चाहे वो एकेडमिया हो या इंडस्ट्री हो या फिर एनीवन फ्रॉम ए टू जेड. एवरीवन इज काइंड ऑफ, हमें समझ ही नहीं आया क्या हो गया. ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था. हिस्ट्री में पढ़ा था 100 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन हम उसके साक्षी बनेंगे ऐसा हमने नहीं सोचा था. मार्च आते आते सब कुछ हम लोग, हमारे जो भी प्लान्स थे धरे के धरे रह गए. एंड वी आर कॉन्फाइंड इन द फोर वॉल्स ऑफ आवर होम. वही हमारे घर भी बन गए, वही हमारे वर्क प्लेस भी बन गए. लेकिन खूबसूरती ये है कि वी ह्यूमन बीइंग्स, वी आर सो अडैप्टेबल एंड दैट इज व्हाई वी आर कंसीडर्ड टू बी ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन ऑन दिस प्लैनेट. ये अलग बात है कि हमने कभी कभी इस जो हमारी हमारी हैसियत और ओहदा है हाईएस्ट ऑर्डर में होने का, उसका हमने कहीं कहीं गलत फायदा भी उठाया है जिसके कारण हमें ये फेस करना पड़ा. तो अडेप्टेबिलिटी की जब बात होती है तो इम्प्लॉयबिलिटी की बात आती है, और इम्प्लॉयबिलिटी की जब बात होती है तो अडेप्टेबिलिटी की बात आती है. किसने सोचा था कि मैं इस अच्छे से प्लेटफॉर्म को एड्रेस कर रही हूंगी मैं अपने ड्रॉइंग रूम में बैठकर, और चूंकि आपकी डिस्ट्रैक्शन ना हो इसलिए मैंने ये पार्टीशन लगा रखा है. सो एवरीवन हैज रीच्ड टू एवरीवन्स रेजिडेंस नाउ. दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड. तो इसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी. एक्सपर्टीज, जैसा कि रुचिका जी ने बताया कि मैं कम्युनिकेशन से ताल्लुक रखती हूँ, प्रोफेसरशिप किया है, एकेडमिया से ताल्लुक रखती हूँ, और अपने दो ऑर्गेनाइजेशंस भी चलाती हूँ जिसका नाम है संवादशाला एंड बुक्स 33. बुक्स 33 इज मोर अबाउट पब्लिशिंग, क्योंकि हम बढ़ावा देते हैं आत्मनिर्भर भारत को और हम उसका पूरी तरह से सहयोग करते हैं, जिसके कारण वी वांट इंडियन लिटरेचर टू कम, इंडियन पीपल टू कम अप विद गुड बुक्स बिकॉज उसकी बुक शेल्फ लाइफ होती है. दूसरी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है संवादशाला, दैट द नेम इटसेल्फ सेज दैट इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. हियर वी ट्रेन पीपल लाइक यू. Here we provide platform to the people who want to hone their communication skills, be it spoken, be it written, be it the performing arts. तो ये दो चीजें हैं जो मैं देखती हूँ, और वो थोड़ा बहुत जो नॉलेज मैंने हासिल किया है और थोड़े बहुत एक्सपीरियंस जो मैंने हासिल किए हैं उसके आधार पर मैं आपके साथ कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में जो अभी हम जी रहे हैं उसमें हमारी क्या कम्युनिकेशन में कैसा इसका प्रभाव पड़ा है इसके बारे में हम बात करेंगे. लेट मी शेयर द स्क्रीन. आई हैव दिस शॉर्ट प्रेजेंटेशन रेडी विद मी. मैं देखती हूँ इफ आई कुड. ओके, थैंक यू. सो गुड दैट आई कुड गिव द डेमो ऑफ इट, द चैलेंजेस दैट वी फेस इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. आई वुड हैव स्पोकन अबाउट इट एंड मे बी यू वुड नॉट हैव रिलेटेड टू इट. आई फेस्ड इट. And you also saw how I was struggling and I was getting helped. So there is a testimony to what I am going to share in my presentation. So when we talk of the virtual world, it is the world where you see me as a you see me in the frame. You don't see me in real.
And I see you, so many people there on the screen, and that is on the screen. So it is a screen to screen relationship. It's screen to screen communication. So how is the face to face communication, the evolution of face to face communication, जो अब हमारी screen to screen communication बन के रह गई है, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे कि इसके challenges क्या हैं। Challenges के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने already demo दे दिया आपको कि challenges क्या हो सकते हैं। हालांकि ये accident है, ये कोई scripted नहीं है, planned नहीं है, लेकिन ये एक एक आज की हकीकत है। आप बहुत ही नॉलेजेबल होगे, आप अपने फील्ड में बहुत ही बड़े ज्ञानी होगे, बट यू नेवर नो दैट वेयर द टेक्निकल ग्लिच विल कम अप। एंड आई वुड नॉट से दैट यू हैव द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स बिफोर हैंड। सम प्रॉब्लम्स आर टू बी सॉल्व्ड ऑन द स्पॉट, एंड दिस इज व्हाट इज द स्पॉन्टेनिटी ऑल अबाउट। एंड दूसरी चीज जो निकल करके आई है इस चैलेंज से, वो है आपकी न्यू नॉर्मल। अगर ये किसी और सिचुएशन में हुआ रहता एंड इस तरीके के स्टार्टिंग हिकअप्स हमारे पास हुए रहते, तो शायद हमें बहुत ही एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता, होस्ट्स एज वेल एज गेस्ट्स एज वेल एज द अटेंडीज। लेकिन अभी क्या है कि इट इज इन द न्यू नॉर्मल, नो वन इज एक्सपेक्टिंग फॉर परफेक्शन। सो दिस इज समथिंग दैट यू एस्पायरेंट शुड अंडरस्टैंड, दैट आप जब अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द जॉब मार्केट, द इंडस्ट्री इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ फूल प्रूफ सॉल्यूशंस फ्रॉम यू, बिकॉज वी ऑल आर सेलिंग द सेम बोट। वी ऑल आर सेलिंग द सेम बोट। आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो, अगला भी उतना ही स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ये एक नई सिचुएशन हमारे पास आई है जिसका अनुभव पहले न तो मुझे रहा है, न मेरे जेनरेशन को रहा है, न एम्प्लॉयर को रहा है, न एम्प्लॉई को रहा है, न जॉब एस्पायरेंट्स को रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस आर लर्निंग। सो नो वन इज एक्सपेक्टिंग परफेक्शन आउट ऑफ यू। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज द एबिलिटी, द विलिंगनेस टू ओवरकम द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, हम सभी फेस कर रहे हैं, लेकिन एक जो लर्नेबिलिटी क्वेश्चन होती है हमारी कि ओके ठीक है, लेट मी फिगर इट आउट, चलो कोशिश करके देखते हैं, होता है ठीक है, नहीं होगा तो थोड़ा कम अच्छा होगा। सो दिस पैंडेमिक हैज टॉट अस टू सेटल डाउन विथ द लेस परफेक्ट थिंग दैट दैट कैन बी पॉसिबल। नाउ वर्किंग एट द वर्क प्लेस इज द आइडियलिस्टिक सिचुएशन। हम तैयार होते हैं, हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, हम बातचीत करते हैं, और इतना सारा कुछ जो एक सेटअप होता है, एक माइंड को, हमारे मूड को अफेक्ट करता है, हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। तो ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन हुआ करती थी मार्च के पहले तक, 2020 के मार्च के पहले तक ये वो आइडियलिस्टिक सिचुएशन थी और वही एक सिचुएशन थी। लेकिन ये पैंडेमिक आई, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से सारा कुछ बदल गया। अब हमारे पास दो सिचुएशंस थे, दो सिनेरियो बनते थे। या तो हम बोल देते, अरे भाई अब तो बहुत महामारी आ गया देश में, पूरे विश्व में, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम भगवान का नाम जपते अपने घर में बैठे रहते। मैम कैन आई शेयर दिस पीपीटी? यस प्लीज डू। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती, जो हो सकती थी और हुई भी, वी अडैप्टेड टू द न्यू नॉर्मल। तो क्या हुआ, we were stopped going to our workplaces, but we made our homes our workplaces. So this is what I'm trying to say, that adapting to the new normal is something that this pandemic has taught us, and all of us who are in the industry or who are aspiring to get into the industry, there is a great learning for all of us from this situation. So yeah, इसी के बारे में मैं, okay. So the PPT is before me, and I guess that you all, it is visible to you all. I don't need to do anything, and thanks for helping me out in this crisis situation. I couldn't understand how to figure it out, and that is happening with most of us. So nothing to be embarrassed about. At least I am not embarrassed about it. So importance of body language in the virtual world. अब यहाँ पे ये जानने की हम कोशिश करेंगे. I think the host right has not been given to me. So I'll have to be dependent on you to change the slide. So every time, once I am done with my talk, I will be requesting you to switch the slide to the next. So could I have the next slide, please?
What is a virtual world? Virtual world is something that is not real. You cannot touch and feel. You cannot touch, but you can see and feel. You can feel the emotions. And this is what is my consecutive slide going to speak about. Next slide, please. This is how so many people, we all have become framed into the screen. So all these are, they are not imaginations. They are real people. So there, if when we talk of the real and the virtual, virtual is possible only because the real is the reality. So what you see here is the virtual mode, but the people are real, their emotions are real, their communication is real. The talk they are, that they are having, that is real. Next slide, please. Is virtual world good or bad? It's a very, it's, the topic itself is very debatable. There is an old school, there is a new school. And those, these school of people, they are, they have their own perspective about it. Let's have then the next slide and see what the leaders are saying about it. We have in the left-hand side of your screen, you can see Albert Einstein, and in the right-hand side, you see Mark Zuckerberg. Now, the old school feels that it is all bakwas. Ye kya ho gaya? Ye ant ho jayega. Everyone will become an idiot. Or the new school of thought says that it is something very exciting. It is something very doable. It is something very aspirational. Virtual reality was once a dream, or is dream ko humne ab realize kar liya hai with the help of science and technology. So iske bare mein hum debate nahi kar sakte hain aur karenge bhi nahi, because this is something that is two schools will have different thoughts, and they are very much right into it. So without getting into ki kya sahi hai kya galat hai, hame ye dekhna hai ki agar ye hi haqeeqat hai aaj ki, to hum iske hisab se apne aap ko kaise adapt kar sakte hain, kyunki new normal mein sail through karna aapke liye एक चुनौती है. एंड आई एम श्योर कि हमारे हमारे जो जो नस्ल है, हमारे जो जेनरेशन है, दे आर रोबस्ट एनफ टू ओवरकम दिस चैलेंज. चुनौती है, इस बात को हम मानते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसके पहले वाली स्लाइड, बिकॉज द पिक्चर स्पीक्स हियर. सो व्हाट यू सी ऑन योर स्क्रीन is not an imagination. This is what I'm trying to say. Virtual is just not possible without the reality. There is a tinge of reality which is adapted, which is modified in the virtual world. Jo screen pe aap dekh rahe ho, jisko bhi aap dekh rahe ho, uske piche ek jeeta jagta insaan hai, जो कि हिलता डुलता है, जो कि बोलता चालता है, जो कि जिसके अपने इमोशंस हैं, वो खुश होता है, वो दुखी होता है. और स्क्रीन में कुछ हद तक वो या तो मैग्निफाई हो जाएगा, या कुछ हद तक वो उसकी औकात छोटी हो जाएगी. बट जो आप देख रहे हो वो हकीकत है. इट इज नॉट एन इमेजिनेशन. सो इफ वी थिंक दैट व्हाट वी आर डूइंग ऑन द स्क्रीन is something that is not going to be registered in the mind of the viewers, it is something of a kind of myth, and we have to come out of it. So we can beautify it, we can make it ugly depending on the expertise that we have. But what appears on the screen, at the back of it, there is a reality, there is a real person, there is a real emotion, there is a real feelings. And that feelings, कितने एक्सपर्टीज के साथ, कितने स्किल के साथ हम उस फीलिंग को कन्वे कर पाते हैं, उसी का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन द वर्चुअल वर्ल्ड. क्योंकि हमारी बॉडी नहीं है, फुल बॉडी आपकी नहीं दिख रही है. इट इज जस्ट वी हैव श्रंक टू द इंचेस. आवर होल 5 feet और मे बी 5 feet प्लस physique has shrunk just to few inches. और हमें उन few inches से हमारे 5 feet plus का काम लेना है. ये हम जानने की कोशिश करेंगे. Next slide, please. In the virtual world, lives and feelings are measured not by the distance. आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठी हूँ. कुछ लोग जो हमें अटेंड कर रहे होंगे, वो शायद हजारों किलोमीटर दूर होंगे, शायद उससे भी ज्यादा. लेकिन
ये जो हमारी it is not the distance is not that matters. What matters is the desire and the feeling behind that desire to reach out to people. And this is what we have tried and tested during this pandemic time, during this complete lockdown, during this partial lockdown. The work did not suffer. The education did not suffer. What has changed is our way of doing. So, ek kaam karne ka tarika badal gaya, padhne padhane ka tarika badal gaya, aur इन सभी चीजों के साथ में जो कंप्लीट जो होता है इन एक्शन वो नहीं हुआ. हम पूरी तरीके से स्टॉप टू एक्शन नहीं हुए. एंड दिस इज व्हाट इज समथिंग दैट वी ऑल हैव अंडरस्टूड दैट वी ऑल हैव दैट स्किल्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फीलिंग्स की जब बात होती है तो तालियों की गड़गड़ाहट हमें इग्नाइट करता है, हमें हमें एनकरेज करता है. अगर ये वर्चुअल वर्ल्ड नहीं होता या अगर ये रियल वर्ल्ड होता तो हम उसको सुन सकते थे. लेकिन देखिए कि द काइंड ऑफ इनोवेशन, द काइंड ऑफ अडैप्टेबिलिटी वी ह्यूमन बीइंग्स हैव, इस स्क्रीन के अंदर भी हम अपने इमोशंस को दिखला पा रहे हैं. एंड थैंक्स, ऑल थैंक्स टू यू पीपल, द टेक्नोलॉजी सोल्जर्स. So, जो भी आप इंजीनियर्स के विद्यार्थी हो, हमें तो लगता है कि आप ही के कारण ये आने वाले समय में चेंज होगा. जो चेंज हम अभी देख रहे हैं, दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ योर फ्रेटर्निटी, द इंजीनियर्स हु थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड कम अप विद सच सॉल्यूशंस, सच ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस दैट द फ्यूचर वुड रिक्वायर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी टू से. एंड दैट उस स्टोरी को जो पूरे 6 फीट का जो जो आपका बॉडी है उसमें जो इतनी सारी कहानियां हैं उसको अब हमें बताना है. सिर्फ कुछ इंचेस में सिमट गया है और उस इंचेस के थ्रू हमें अपनी कहानियों को बताना है. एंड दिस इज व्हाट इज समथिंग दैट वी आर ग्रोपिंग विथ, वी आर ग्रैपलिंग विथ, वी आर ट्राइंग टू लर्न एंड ओवरकम. बिकॉज आने वाले समय में चूंकि हमने देख लिया है, अब ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला हो गया है. इन ऑर्डर टू मे बी कट डाउन द साइज, द एक्सपेंसेस, अब क्या होगा ना, आने वाले समय में एक ब्लेंडेड वर्क सिनेरियो बन जाएगा. मे बी वीकली कुछ डेज ऐसे हो जाएंगे जब आपको वर्क फ्रॉम होम करना होगा, कुछ डेज ऐसे होंगे जो वर्क फ्रॉम ऑफिस करने होंगे. तो जो एक लाइन थी, जो एक दायरा था, वो दायरा फैल गया है और द लाइन लिमिटेशन हैज बीन समवेयर और द अदर इट हैज मेल्टेड अवे. सो वी नीड टू सी हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज इन दिस न्यू नॉर्मल. नेक्स्ट स्लाइड. सो देयर इज अ स्टोरी टू से एंड द स्टोरी is the story comes through the face. You see, ek hi bande ka do picture hai aur the first picture has a different story and the second picture has a different story. So your face is the index of your story, ki aapke paas kya batane ke liye hai, kya aap usme urja bhara hua hai, urjawan hai, is it full of energy, is it full of depression, is it full of joyousness, is it full of sorrow, is it full of anxiety. So all these emotions are expressed. These emotions are the part and partial of the story, and your story is nothing but your body. So next slide, please. थोड़ा सा जब बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो हल्का सा वी विल ट्राई टू टच अपॉन एंड सी कि जब बॉडी लैंग्वेज हम बोलते हैं तो ये है क्या चीज, कम्युनिकेशन में इसकी क्या महत्व है, एंड व्हाई इज इट व्हाई have a separate session while speaking about body language in terms of communication. Iske bina kya ho sakta hai? Next slide. Please click it once again. Yeah. So actually ye debate aapko shuru hui when Albert Mehrabian in 1960s maybe he came up with this model called 7-38-55. Aur ye cheez aapko aaye din aapko professors kehte hue, communication ke jankar kehte hue, media wale log kehte hue, jo bhi communication jinka livelihood hai wo kehte hue mil jayenge ki shabd se zyada important use कैसे कहा गया और उससे कहीं ज्यादा है कि वो कैसा दिखता है. तो एक पीस ऑफ वर्ड अगर है तो हाउ डज दैट वर्ड साउंड इनटू द इयर्स ऑफ द अदर्स, एंड इफ इट साउंड्स वेल हाउ डज द पर्सन सेइंग दोज वर्ड्स अपीयर.
So this is what was the model given by Mehrabian. Actually, he wanted to say कि जब इन तीनों को जब तक alignment होती है, then the communication is said to be very effective. ये उनका कहना था. उसको distortion करके क्या होता है ना, year after year, जैसे जैसे नए नए लोग इसको interpret किए, अब ये कहीं ना कहीं अभ्रंश बन करके ये बात आ गई है कि word का तो कोई importance नहीं है जी, words का तो just 7% contribute करता है, बाकी तो सारे उसके वॉइस करते हैं, वोकैलिक्स करते हैं, जो उसकी आवाज है, जो टोन ऑफ वॉइस है वो करती है, और लास्ट जो है बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट. जबकि हमें ये समझना होगा कि ये एक एक करके, दे शुड नॉट बी ट्रीटेड इन साइलोज, दे कैन नॉट बी पुट इनटू द वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, दे आर a part and partial of one another and they have to work in congruence with one another. So key jo shabd hai wo yahan par aapki congruence hai, shabdon ko uske uske tone of voice ke sath congruent karna padega, and then whatever is the voice modulation that has to be reflected through the visuals of it, or visual ko hum yahan pe kahenge body language. ek video hai jo ki main dikhlana chahungi jo is abhrans ko todta hai, is myth ko todta hai ki words ka importance nahi hai aur 93% sirf shabd ki awaaz aur uske उसके अपीयरेंस में जाता है. सो लेट अस हैव दिस वीडियो प्लेड प्लीज. इन द नेक्स्ट स्लाइड देयर इज वन लिंक गिवन. सो यहाँ पे ये इस चीज की बात होगी, हम इसको डेमो करके देखेंगे कि सिर्फ शब्द है तो क्या उसका अर्थ निकलता है. जब सिर्फ उसके जेस्टिकुलेशन, जो कि बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, उसमें जेस्टिकुलेशन आती है कि वो सिर्फ अगर इनैक्ट किया जाए तो क्या उससे कुछ अर्थ निकल सकता है क्या, या फिर उसको तीनों को साथ में लिया जाए तो हम देख सकते हैं कि जिसने उन शब्दों को बोला वो कितना ज्यादा उसमें इमोशंस, फीलिंग्स को जनरेट करता है. दिस इज व्हाट द वीडियो स्पीक्स एंड यू विल रिलेट टू इट दैट ऑल थ्री ऑफ देम हैव टू बी इन अलाइनमेंट एंड अलाइनमेंट इज द की. सम पीपल बिलीव द वर्ल्ड इज फ्लैट, सम पीपल बिलीव इन एलियन अबडक्शन. And some people believe that when we hear someone speaking, only 7% of what we understand comes from the words they use. But hang on a minute, if words are little more than a bit part player on the stage of communication, who are the stars? Well, according to the theory, more than half of meaning, an incredible 55%, is communicated by our facial expressions, with the remaining 38%, more than a third of the meaning, communicated by our tone of voice. Let's take a closer look. Here's Fred. He's got something to tell us. Got that? If we pick up 55% of meaning from facial expressions, we should be getting more than half of Fred's message by now. How about this? Now we can see Fred's face and hear his voice. We should be getting 93% of what he's trying to say. Do you know what he's talking about yet? Okay, let's add the remaining 7%, the words. How come so many communications professionals still believe this nonsense? Good question, Fred. Maybe it's because it has the status of science. The formula was proposed in 1967 by Professor Albert Mehrabian of the University of California in Los Angeles. But that's not what I said! You know how we sometimes say one thing but mean another? Oh, please, can I have a dog? Maybe. The mother's tone of voice tells us that this kid is most likely to end up dogless. Well, Mehrabian's experiments looked at inconsistent messages like this. He wanted to find out how much we're influenced by someone's facial expressions and tone of voice when they say one thing but mean something different. Mehrabian concluded that in situations like this, when words let us down, we tend to mostly believe the look on someone's face, followed closely by the tone of their voice. Are you still angry with me? No. But how common is this kind of situation? Do people take more notice of facial expressions and tone of voice than they do of words? Well, no. In fact, on his website, Mehrabian makes it quite clear that his formula only applies when speakers are talking about their feelings or attitudes. It doesn't hold good in any other situations. Communications professionals, please take note. It's just not true that delivery can make or break a presentation. If you prepare the words and the content of your presentation properly, you'll get your message across just fine. But if you concentrate on your performance at the expense of your content, you could fall flat on your face.
So it's time to squash the Moravian myth once and for all. Of course, nonverbal signals play a role in spoken communication, but they're not more important than the words. If they were, there'd be no need to learn foreign languages. So let's put words back where they belong, center stage. Words really matter. Let's give them the respect they deserve. So here was the video which has tried to break that myth. तो यहाँ पे बात ये है, आप सपोज कीजिए कि आपके आपके जॉब इंटरव्यू की बात ले लें, तो आप जो वर्ड्स में कम्युनिकेट करते हो, लेट्स ट्राई टू एनालाइज मेहराबियंस स्टैट्स जो उन्होंने दिया है, 7+38+55, इसको हम आपके एनालॉजी में डाल के एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. आप एक विद्यार्थी हो, आप एक जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आपकी पढ़ाई पूरी होगी और फिर आप इंडस्ट्री में एंटर करने के पहले एक वादा करो शब्दों के द्वारा, अपने वर्ड्स के द्वारा, यू विल राइट वन सीवी एंड थ्रू योर प्लेसमेंट ऑफिस यू विल सेंड दैट सीवी टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर. ये एक हकीकत है कि आपने शब्दों के द्वारा, आपके पास जो भी काबिलियत है, आपके पास जो भी प्रॉमिस है फॉर द वर्क प्लेस, आप उनसे बोलते हो कि हाँ भाई, मैं फला स्ट्रीम में मैंने इंजीनियरिंग किया है, फला स्ट्रीम में मैंने पढ़ाई की है, ये स्ट्रीम मेरा बहुत ही उम्दा है और मैं इस जॉब के लिए एस्पायर कर रहा हूँ और मैं काबिल हूँ इस जॉब को करने के लिए. इस तरीके का एक वादा जो है, आप अपने बायोडेटा के थ्रू, आप अपने सीवी के थ्रू, आप अपने रेज्यूमे के थ्रू आप अपने एम्प्लॉयर के पास भेजते हो. एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको पढ़ता है. अब वो बोलेगा, उसके पास क्या पहुंचा, उसके पास आपका 7% ऑफ कंटेंट पहुंचा. कंटेंट बहुत ही दुरुस्त होना चाहिए. दिस इज व्हाट द वीडियो सेड, द कंटेंट रीचेस देयर एंड नाउ ही एनालाइजेस द योर एम्प्लॉयर, योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर एनालाइजेस इट एंड देन सम ऑफ द कंटेंट आर सो बकवास, इतना रद्दी है कि वो वहीं फेंक दिया. और कुछ जो कंटेंट जिसमें कि काफी बढ़िया तरीके से क्रेडिबिलिटी है, वो उनको शॉर्टलिस्ट करके, स्क्रूटिनाइज करके, शॉर्टलिस्ट करके, आपको सपोज करो कि 10 लोगों ने अप्लाई किया तो उनमें से स्क्रूटिनाइजेशन के बाद 30-40% 3-4 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाता है. सॉरी, आप इंटरव्यू रूम में जाते हो, इंटरव्यू रूम में आप जब जा रहे हो तो आपका क्या देखता है, वो जो आपके पास जो deliverable है, that has already been sent to him, जो information है वो तो already उसने आपने उनको अपने CV के द्वारा दे दिया, फिर वो आपको क्यों इंटरव्यू के लिए बुला रहा है. negotiation आपको सैलरी का करना नहीं है क्योंकि you are a fresher in the for a fresher in order to enter the job market, there is no negotiation on the salary, मुझे इतना मिलेगा उतना मिलेगा. you already, they already have a set formula for the trainees, this is the package, and for the experience holder this is the package. so there is no, for the first time job entrants, there is nothing like a negotiation on the salary. That is already decided beforehand, either by the management of the recruiter or the placement office of the academia. So that is very much in place. You don't have much to do. Then why on earth they are calling you? और आज के सिचुएशन में क्या हो सकता है कि वो आपको इन पर्सन नहीं बुला करके आपका वर्चुअल इंटरव्यू ले. तो क्या करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि जो कागज पे लिखा हुआ है 7% का जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस जो 7% कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंच रहा है, दे वांट टू सी आर द प्रॉमिस रियली बिलीवेबल. ये इंसान जो प्रॉमिस लंबे चौड़े वादे कर रहा है अपने सीवी में, इज इट रियली गोइंग टू डिलीवर दैट. And there comes the role of your tonality of the voice and your body language and your facial expression and the way you dress yourself up. So, ye sari cheeze hain baad mein aati. Lekin aap suppose karo ki content hi aapka not up to mark hoga, to kya aapko scrutinize karke second stage pe bulayenge, wo interview ke liye bulayenge? No, they are not going to call you. So what I'm trying to say is, first comes the content, which is very, very important. That has to be very, very much in place. Based on the content quality, you will be called for the interview. In the interview, they will see ki jo promise aapne kiya hai, wo waqai deliverable aapke paas hai ki nahin.
आपने झूठा अब लंबा चौड़ा वादा कर लिया है बट when I speak to you I'm very much impressed by your CV but when I speak to you I see that it is all false promises given in the CV when you say that I am a topper and I'm a very good communication person my communication is my USP और जब मैं आपसे बात करती हूँ तो आप बगले झांक रहे होते हो आप सर खुजा रहे होते हो आप सर खुजाते हो कभी कभी आप इधर करते हो कभी आप इधर करते हो तो बात करने पे तो मुझे पता चलेगा ना कि बंदा जो ये सीवी में लिखा है और जो दिख रहा है दोनों में काफी डिस्पैरिटी है तो डिस्पैरिटी में होने की सिचुएशन में आपका रिक्रूटर जो है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर जो है वो आपके सीवी को नजरअंदाज करेगा बल्कि वो देखेगा जो उसे दिख रहा है दिस इज वॉट मेहराबियन ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट वर्ड्स आर फर्दर सब्सटैंशिएटेड और rejected based on the non-verbals. This is what was the simple thing that he wanted to say. Hope I could make it clear by using the analogy of your own job selection. Please don't ignore your CV. Please be very honest while writing the CV. Don't overpromise anything in the CV because that overpromise will fall flat when they have a face-to-face communication with you, when they have an interview communication with you, whether it is in the virtual form or in the face-to-face form. Next slide, please. Could I have the slides back? Yeah. Non-verbal के बारे में जब बात होती है ना, ये words हमने देख लिया कि हाँ, अब इसमें ये चीज़ अपने को myth नहीं लाना है दिमाग में कि नहीं भाई मेरी body language तो बहुत अच्छी है, delivery बहुत अच्छा है, content चाहे हो ना हो कोई क्या फर्क पड़ता है, 93% तो already नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले आता है content, उसको further believable, credible, authentic बनाने के लिए आपकी body language और आपकी voice tonality की जरूरत पड़ती है नॉन वर्बल की अगर बात करें ये जो बात हो रही थी कंटेंट की वो वर्बल हो गया 7% नॉन वर्बल की बात हो तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है बॉडी लैंग्वेज के अलावा 7 और चीजें हैं जिसको कि ध्यान में रखना पड़ता है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज बट आप देख रहे हो एकदम अपर कॉर्नर में आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड के अपर कॉर्नर में एक बॉडी लैंग्वेज चिपका हुआ है ऊपर में उसके अलावे इतनी सारी 7 चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देना है तो when you talk of the non-verbal, what Mehrabian was saying, he was not only talking of the 55%, he was talking of the other 7 elements as well. अब दूसरी आप देख रहे हो कि जैसे वो सेंटर स्टेज पर आते हैं अपर हैंड में अपर रो में अपर साइड में यू सी ऑल्फैक्टिक्स एंड आर्टिफैक्ट्स आप इमेजिन करो जब आप इंटरव्यू रूम में जाओगे तो क्या बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के जाओगे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा और बहुत ही चमकीला शर्ट पहन करके और बहुत ही बड़े बड़े झुमके लगा करके आप जाएंगे क्या नहीं जाएंगे सो द ऑल्फैक्टिक्स एंड आर्टिफैक्ट्स ऑल्फैक्टिक्स इज अ स्मेल कम्युनिकेशन When you are going for for a formal meeting, just make sure that you don't smell bad. But at the same time, you should not be smelling very hard so that one gets nausea about it. Some people are not very comfortable with the strong smells. The aroma is something that has to be very subtle. Your artifacts, the way you dress yourself up, it has to be very subtle. It has to communicate a kind of professionalism rather than something very loud, right? Next cheez kya hai? Aapki vocalics, jo 38% Mehrabian ne kaha tha. कि आप जब बोल रहे हो यस जी सर मैंने ये इसमें बहुत अच्छा काबिलियत हासिल किया है मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है कमाल की है और मैंने इतना मार्क्स प्राप्त किया है अब वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपके डोमेन से रिलेटेड अगर वो डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आप उतने ही काबिलियत के साथ उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ दे पाते हो जिससे जो कि कैसे पता चलता है कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं आपकी वोकालिक से आप कितने जोश फरोश से उस बात को बोलते हो या फिर आपकी आवाज में वो एनर्जी नहीं है So that आवाज की एनर्जी आवाज में एनर्जी का होना और आवाज में एनर्जी का ना होना that is what your paralinguistics or vocalics or the tone of voice does. मैं आपसे बोलूं आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई तो जब बहुत जो मैंने जिस तरीके से बोला बहुत खुशी हुई दूसरा तरीका है बोलने का आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई तो विच वन would you बिलीव आपको क्या लगेगा मेरी फीलिंग्स पहले वाले में थी या दूसरे वाले में है बात तो वही है आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई ये एक सेंटेंस है उसको बोलने का तरीका बदल गया पहले वाले में एनर्जी है दूसरे वाले में एनर्जी नहीं है सो दिस इज व्हाट द
the vocalics or the paralinguistic does to your content. तीसरा है कि जब आप जाते हो तो एकदम धड़ाम से दरवाजा खोल के अंदर जाते हो क्या? जब नॉक करते हो, हल्का टैपिंग करते हो या धमधम धमधम करके दरवाजा खटखटाते हो, या पूछते भी हो या नहीं होते, तो इससे आपका आउटलुक टुवर्ड्स द अथॉरिटीज पता चलता है कि वेदर यू हैव द मिनिमम डिग्री ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द अदर पर्सन और नॉट. आर यू अ हम्बल, विनम्रता का कितना ज्यादा है, अपने अपने उस तरीके से आप हाथ पैर हिलाते हो तो आपके आपके विनम्रता का, आपके एटीट्यूड का, वेदर यू आर एन एग्रेसिव पर्सन, वेदर यू आर एन हम्बल पर्सन, ऑल दीज थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड. सो काइनेसिक्स इज हाउ यू मूव योर लेग्स, द वे यू एंटर इन टू योर इंटरव्यू रूम, और हाउ यू पोजिशन योर हैंड्स एंड हाउ मच ऑफ मूवमेंट डू यू डू फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिक्स, आप कितना क्लोज, कितना करीब किसी से जाते हो, कितने जैसे आपने देखा होगा लोग हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग बहुत करीब आके हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग बहुत दूर से हाथ मिलाते हैं, तो दैट स्पीक्स अबाउट देयर माइंडसेट, व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम. आई हैव 15 मिनट्स, सो आई हैव टू बी लिटिल आई हैव टू हेसन एट अप. मुझे बताया गया कि मुझे 12 बजे तक मुझे ये वाइंड अप करना है. सो प्रॉक्सिमिक्स इज अबाउट द स्पेस लैंग्वेज. नेक्स्ट इज द हैप्टिक्स, हाउ यू टच द अदर पर्सन, आपने हाथ कैसे मिलाया, पूरे गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया या फिर ऐसा लग रहा था कि बस एहसान कर रहे हो अगले के ऊपर, एनर्जी थी नहीं थी, एंथुसियाज्म था नहीं था, या इतना था कि अगले का हाथ ही तोड़ दिया आपने. सो ये एक बैलेंस लाने की जरूरत है. सो दैट इज व्हाट योर हैप्टिक्स इज ऑल अबाउट, योर टच लैंग्वेज. आपके प्रोफेसर आपका कंधा ठोकते हैं तो ऐसा ठोकते हैं कि आप गिरी जाओ, या फिर आपके आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए ठोकते हैं. So that touch, the way you touch the other person will communicate what feelings, what garm joshi is there in the relationship. Then the chromatics. Chromatics is kya? Chroma shabd se bana hai. Chroma ka arth hota hai color. Color communicates. Why you are advised by your professors to go in the interview room or to have a presentation with a very सटल कलर ऑफ शर्ट और सटल कलर पहन करके आया, फिर आप ऐसे ही समझो ना, आपकी यूनिफॉर्म क्यों होती है स्कूल में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म्स क्यों होते हैं. इन ऑर्डर टू ब्रिंग, फर्स्ट थिंग इज टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी. कोई भी अपने आप को ज्यादा बेहतर और कमतर ना समझे, एक यूनिफॉर्मिटी आती है. दूसरा है कि एक प्रोफेशनलिज्म आता है. फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, एक यूनिफॉर्म होता है, एक प्रोफेशनलिज्म आती है उससे. तो द कलर स्पीक्स, और वो कलर सेलेक्शन जो है दैट गवर्न्स योर मूड. सो दैट इज द स्टडी ऑफ द कलर, द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ कलर. एंड लास्ट में आता है टाइम कम्युनिकेशन, कि कितना टाइम को आप महत्व देते हो, क्या आप टाइम का सम्मान करते हो. मुझे बताया गया था 11 से 12 और अभी 11:45 होने वाला, और मुझे घबराहट मेरी बढ़ती जा रही है कि मुझे 15 मिनट में अपने अपने बात को समाप्त करना, और ऐसे समाप्त करना है ताकि ये होलिस्टिक लगे, ये बीच में कटा पिटा हुआ ना लगे. So how much of respect you have towards time is something that shows that you are adherent to time or not. Or time ki ka jo bhi samman nahi karta hai, workplace mein usko uski pooch nahi hoti hai. Next slide please. So little bit of touching upon what non-verbal is about. अब नॉन वर्बल की, अब आठ तो हम समझ गए कि नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज जो है, सो आठ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है, बाकी सातों के बारे में हमने चर्चा कर लिया. और चूंकि हमारा विषय आज का ये है बॉडी लैंग्वेज, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट ऑल प्रोमिनेंटली फॉल्स अंडर द बॉडी लैंग्वेज. फिर हम बात करेंगे प्री कोविड एरा की और पोस्ट कोविड एरा की, और रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन, रियल वर्ल्ड में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है, और वर्चुअल वर्ल्ड में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, एक बार और क्लिक कीजिए इसको प्लीज. जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो मुख्यतः छह चीजों पर हमारा ध्यान होता है. इट इज द ऑक्यूलेसिक्स, इसका मतलब हाउ यू लुक एट द अदर पर्सन, जिसको कि हम बोलचाल के भाषा में आई कॉन्टैक्ट भी कहते हैं या आई ग्रामर भी कहते हैं, ठीक है. दूसरा है हेड पोजिशन एंड मूवमेंट, आपने किस तरीके से अपने ब्रह्मस्थल को, इसको क्या है, दिमाग क्या है आपका, आपका हेड इज योर ब्रह्मस्थल, आपके भगवान का वास वहीं पर होता है, लोग कहते हैं हृदय में और ब्रह्म, आपके दिमाग विवेक वहीं काम करता है. सो हाउ
कॉन्फिडेंटली यू हैव पुट योर हेड ऑन योर टॉर्सो, आपने अपने धड़ के ऊपर अपने सर को कैसे स्थापित किया है, दैट विल डिसाइड, दैट विल स्पीक अबाउट द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव और यू डोंट हैव. और ये चीज आपका इंटरव्यूअर देख रहा होता है, यही चीज आपके आपके सेलेक्टर्स देख रहे होते हैं, आपके प्रोफेसर्स देख रहे होते हैं, या अगला कोई क्लाइंट देख रहा होता है. फेशियल एक्सप्रेशन, आपने कहा कि हाँ हाँ मुझे ये अवसर बहुत अच्छा लगा, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आपका फेशियल एक्सप्रेशन तो कुछ और ही कह रहा है. तो यही चीज मेहराबियन साहब ने कहा था कि जब ये आप बोलते हो और डिस्पैरिटी आ जाती है, आप बोलते कुछ हो और दिखता कुछ है, तो फिर यहाँ गड़बड़ वाली बात है. सो व्हाट यू आर सेइंग हैज टू बी रिफ्लेक्टेड थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशन. आई से आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, एक तो मेरी आवाज वैसे वेरी हैप्पी, एक राइजिंग टोन हो गई, और दूसरा कि मेरे चेहरे पे एक मुस्कान आई. सो दैट हैप्पीनेस हैज टू बी रिफ्लेक्टेड. और इमोशंस जो है ना, वो बहुत ही, वो कोरोना से ज्यादा फैलने वाली होती है. अगर मैं खुश हूं तो आपको आपको आपके पास खुशी ही फैलाऊंगी. सो इमोशंस ट्रैवल वेरी फास्ट. इफ यू गो टू अ पर्सन विद अ वेरी बैड इमोशन, विद अ सैड इमोशन, विद अ वेरी डिप्रेस्ड इमोशन, वो दुख जो है उतने ही तेजी से फैलेगा जितनी तेजी से आपकी खुशी फैलती है. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड इमोशंस आर इन्फेक्शियस. So whenever you meet someone, greet him or her with a smile. जैसे आप smile करोगे, अगला बहुत ही बुरा इंसान जब तक नहीं हो, तब तक वो smile का जवाब smile से ही देगा. कि आप कभी ऐसा देखा है, आपने किसी को smile किया हो, नमस्कार smile किया हो, अगला बोले ऐसा बहुत कम होता है. इतने बुरे लोग हम हैं नहीं, दुनिया में अच्छे लोग हैं. एक दो कुछ होगा, कुछ उनकी प्रॉब्लम होगी, ये अलग बात. पैरालिंग्विस्टिक एंड वोकैलिक्स मैंने बता दिया कि कितनी गर्मजोशी है आपकी आवाज में. पोस्चर एंड स्टांस, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने शरीर को खड़ा रखते हो, अपने अपने धड़ को सीधा रखते हो, बैठते हो, उठते हो, बैठते हो, चलते हो, फिरते हो, झुकते हो, ऑल दीज थिंग्स योर आपने कितने अपराइटली अपने आप को प्लेस किया है. And then hand gestures, leg positions and body movements. आप कितना ज्यादा अपने हाथ पैर को हिलाते हो बात करते वक्त, आप कितनी तेजी से चलते हो या कितने धीरे धीरे चलते हो, all these are speaking about your energy level. And energy level is something that the other person sees and it is an indicative of whatever you have promised in the content is actually going to be delivered or not. Next slide please. Body language in the pre-COVID era. Next slide. Body language जो पहले थी और अब है, उसमें क्या फर्क आ गया है? पहले सीधा सीधा बात यही फर्क आया है कि पहले हमारे पास 5 feet plus का था जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे. हम हाथ पैर हिलाते थे, हम तेज चलते थे, हम कूदते थे, हम फांते थे, हम नीचे झुकते थे, हम झुक के सलाम करते थे, सारा कुछ हमारे पास फुल बॉडी थी अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए, अपने एनर्जी को दिखाने के लिए. अब क्या हुआ है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब क्या है पोस्ट कोविड एरा में, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड एरा में? अभी तो हम लोग ड्यूरिंग ही बोलेंगे, पूरा खत्म तो हुआ नहीं है. इन द कोविड एंड द पोस्ट कोविड एरा, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड क्या हो गया. योर फेस जोन इज द इंडेक्स ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज इन द वर्चुअल वर्ल्ड. आप क्या देख रहे हो? मेरा टांग देख रहे हो? नहीं देख रहे हो? मैं कितनी मोटी हूँ, पतली हूँ, आप थोड़ी देख रहे हो. मैं कितने आराम से स्ट्रेट खड़ी होती हूँ, कितना तेज चलती हूँ. जो व्हाट यू कैन सिंपली सी द फेस जोन एंड द चेस्ट पोजीशन, नॉट मोर देन दैट. सो ये आप यहाँ पर सिमट गए हो. जो फीट में होता था अब इंचों में हो रहा है. द फीट हैज श्रंक टू द साइज ऑफ इंचेस एंड दिस इज व्हाट हैज बिकम लिटिल A little learnable thing. Now we have to upskill ourselves. हम लोगों ने अब तक अपने आप को रखा है, ढाला है, किस हिसाब से? 5 feet का काम 5 feet से ले रहे थे. अब उस 5 feet का काम जो है, आपकी जो भी height है, उस 5 feet का काम आपको inches में लेना है. और उसमें सबसे prominently जो दिखता है, वो आपका face दिखता है, आपकी आपकी head दिखती है, आपके हाथ को वो हिलाने का तरीका दिखता है, आपकी आंखें दिखती हैं, आपके स्माइल दिखते हैं और आपका चेस्ट पोजीशन दिखता है. इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता. नेक्स्ट, दिस इज द रियलिटी. मैंने अपने ही पिक्चर्स यूज किए हैं.
मैंने अपने ही पिक्चर्स यूज किए, ये सारे जो चार पांच पिक्चर्स देख रहे हो और ये जो आप नीचे देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में लोअर लोअर क्वार्टर में, दिस इज द रियलिटी। जब आप हमें अपने जब हमें अपने काम को घर पे लाना होगा तो घर के लोगों को कहाँ भेजेंगे, घर में ही रहेंगे ना, उनके उनको काम पे थोड़ी भेजेंगे। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्क फ्रॉम होम, द वर्चुअल वर्ल्ड where the work has not suffered but our way of doing work has gone for a phenomenal change. You see, we are expressing our happiness, sometimes we are expressing our anxiety, sometimes bachche bhi piche aakar ke dekh rahe hote hain, unko hum room mein kamre mein band to nahi kar sakte, that they are our reality. Hum kaam kiske liye kar rahe hain, bachcho ke liye to kar rahe hain, to bachcho ko kya band karke rakhenge, kabhi udhar se chillane ki awaaz aa jayegi, kabhi wo ro lega, तो अभी क्या बोले इतने देर मत रोना, इतने देर मत गिरना, नहीं कर सकते। लेट अस बी रियलिस्टिक, हम काम क्यों कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। अब आप बोलते हो कि घर में घर से काम करो, घर से काम करें तो क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। मेरे आगे पीछे इधर बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं, पीछे मैं क्या कर रही हूँ, अपने ड्रॉइंग रूम में बैठ करके अपने स्टडी टेबल पर काम कर रही हूँ, पीछे मैंने एक पार्टीशन लगा दी। तो दिस इज अ जुगाड़ काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर डूइंग, राइट? क्योंकि मैं अब तो ये नहीं चाहूंगी ना 500 लोग मेरे बेडरूम में आकर के मेरा बेडरूम देखें कैसा है। सो ऑब्वियसली आई विल नॉट डू इट फ्रॉम माय बेडरूम, आई विल डू इट फ्रॉम माय माय ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में लोग को मैं नहीं मना कर सकती। लंबा चौड़ा परिवार है, मैं उनको मना नहीं कर सकती कि आप मत आना जाना करो, एक घंटा तक वो क्या कॉन्फाइन होके थोड़ी रहेंगे। सो दिस इज द रियलिटी दैट बोथ द पार्टीज विल हैव टू अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम लोग आना जाना करेंगे, बार बार इधर मूवमेंट होगी, यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, my audience will get distracted. What I can do is, a simple partition has helped me, a simple curtain will help me. Maybe I will sit in a position that only the white wall is visible. So, ye cheez hum karte hain aur karna seekh rahe hain. Next slide, please. Shalini, I'm sorry to interrupt you. We're just short with time and I think you will have a couple of questions also to ask. Okay, bas ye wali kar lo. Paanch elements jo hai, wo bata deti hun. Perfect, ma'am. क्योंकि हमें 5 फीट का काम कुछ इंचेस से लेना है, इसलिए हमारे पास क्या है, ये मॉडल याद रखिए, HHFESH, हेड, हेयर, फेस, आईज, स्माइल एंड हैंड्स। नेक्स्ट स्लाइड, बस यही चीज ये दिखाना था, इसके आगे का आप खुद देख लोगे, प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। रुचिका, प्लीज शेयर इट विद एनीवन हु वांट्स, एंड एनी फर्दर क्वेश्चन मे बी ईमेल टू मी थ्रू यू, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तो ये चीज जो है, यही चीज आप दिखते हो, जो आप देख रहे हो ना, बस यही दिख रहा है। अब इतने सारे इमोशंस में ये सारे सारी स्टोरीज हैं, कोई सैड स्टोरी है, कोई एंथुजियास्टिक स्टोरी है, कोई स्केप्टिकल स्टोरी है, ये जो स्टोरी आपकी पूरी 5 फीट की बॉडी करती थी, वो आज आपका कुछ इंचेस का फेस जो कि स्क्रीन में कैद है वो कर रहा है। यही है ब्यूटी आपके वर्चुअल वर्ल्ड की। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन प्लीज। वन स्टूडेंट छवि फ्रॉम बीबीए इज आस्किंग वन क्वेश्चन। हर क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी ग्रैब आवर ऑडियंस अटेंशन इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड with the help of some more body language techniques. वही जो अभी मैंने, is the question complete? Yeah, this is the question. अभी जो मैंने आपको acronym दिया ना, head, hair, head, eyes, face, smile and hands. बस वही है, उसी formula को याद कर लीजिए। 5 चीजें हैं जिसके through आप impress कर सकते हो, या आप बात को बिगाड़ सकते हो, या बात को बना सकते हो। Make or break through your virtual, in the virtual world, यही 5 चीजों को ध्यान दीजिए and you are sorted. मैं इन्हीं 5 चीजों को ध्यान देके आपसे बात कर रही हूँ। मैंने बाल भी दिखा रखा है, मैंने फेस पर स्माइल रखा है, राइट? मैंने आपसे आई कॉन्टेक्ट बनाए हैं, मैंने स्माइल रखा है, और थोड़ा बहुत मैं अपने हाथ को हिला डुला रही हूँ ताकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूं। मैं बहुत ज्यादा हिलाऊंगी तो फिर ऐसा दिखेगा, तो इट विल लुक लाइक दिस। मैम, शी इज आस्किंग टू रिपीट दीस 5 वर्ड्स अगेन, इज इट पॉसिबल? अरे वापस दिखाओ मेरी स्लाइड, yes, एक मिनट, yes. मैं बताती हूँ, रुको yes. अभी बताती हूँ। फर्स्ट इज योर हेयर, आप लिख लो HHFESH. फर्स्ट H स्टैंड्स फॉर हेड, सेकेंड H स्टैंड्स फॉर हेयर, बाल को मत बिखराओ, हेड को आप स्ट्रेट रखो, उससे आपकी कॉन्फिडेंस दिखती है।
फेस को आप बहुत ज्यादा मेकअप से मत ढको और आपकी जो आपकी आंखें हैं वो सीधा बना के रखो, तगल अपनी बगले मत झांको। जब आप बात कर रहे हो तो इधर उधर ऐसे ऐसे मत देखो, नहीं तो फिर लगेगा कि आप कुछ छिपा रहे हो, स्केप्टिकल हो जाएंगे लोग, शंकालु हो जाएंगे आपके प्रति। और दूसरा है कि एक टाइम है ना, अगर आप एकदम शुरू से अंत तक आप स्माइल नहीं कर सकते हो, बेवकूफ लगेगा देखने से, लेकिन आप टाइम एंड अगेन हल्का सा स्माइल चेहरे पर आप लाओ तो लगेगा कि आप एक फ्रेंडली पर्सन हो, आप एक झगड़ालू व्यक्ति नहीं हो। और लास्ट में हाथ जो है बहुत ज्यादा नहीं मूव करेंगे, बात करते समय कभी एक हाथ उठा लिया, कभी एक हाथ उठा लिया, कभी थोड़ा बहुत हाथ को आप मूव कर सकते हो। नीचे की अगर आप स्लाइड नंबर देखो, मैं स्लाइड नंबर बताती हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत यूज करते हैं इस जेस्चर को। स्लाइड नंबर 41 एक बार डिस्प्ले कर सकते हैं क्या आप? उसमें मैंने दिया था, एक बार दो चीज देखो, स्लाइड नंबर 41 और 42 में मैंने इस चीज को एड्रेस किया है। 41 एंड 42 एक बार दिखला दीजिए, सीधा चले जाइए स्लाइड नंबर 41 एंड 42 पर। ये देखो कि आप जो ये जेस्चर है ना, ये बेस्ट जेस्चर है अपने ह्यूमिलिटी को, अपने रेस्पेक्ट को दिखाने का। शुरुआत कीजिए इससे, अंत कीजिए इससे, हाथों को जोड़ करके, और कभी आप हाथ को घुमा सकते हो, बहुत ज्यादा मूवमेंट मत करना, ऐसा दिखेगा वो। और इसके बाद वाली स्लाइड देखिए, क्या नहीं करना है वो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में है वो नहीं करने वाली चीज। जब आप बात कर रहे हो तो बहुत ज्यादा स्क्रीन के ऐसे करीब मत जाओ, और बात करते करते क्या हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। तो हैंड मूवमेंट को कम रखना है, स्क्रीन से दूरी बना के रखनी है। अब दूसरे वाले पिक्चर में क्या देख रहे हो, बंदे का चेहरा ही छिप गया। एंड दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द रियल लाइफ सिनेरियो। और पहले वाले में क्या देख रहे हो, मैंने अटेंड किया था ये सेशन, A very good distance has been maintained from the screen. ये भी आपको लैपटॉप पर ही चल रही है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है इसका, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, लैपटॉप पर ही चल रहा है, वर्चुअल जूम प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ये। पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप किरण बेदी जी को देख रहे हो, तो उसमें क्या देख रहे हो, एक प्रॉपर डिस्टेंस बना हुआ है, और हैंड मूवमेंट हो तो रहा है लेकिन एक बैलेंस्ड वे में हो रहा है। दूसरे में आप क्या देख रहे हो, जो नहीं करना है। तो हैंड जो है ना, बड़ा ही घातक हो गया है अभी वर्चुअल वर्ल्ड में। And the picture speaks for itself. ठीक है? I hope I could answer this. Yeah, question. Yeah, ma'am. I think other students have also get their answers because their questions were related to this concept only. Okay. वही याद रखना है आपको, पांच। Yeah. All the questions of Yukta, Sachin are related to this. I think they are now satisfied and they are saying we got the answers. Okay, great. So many thanks, Dr. Shalini ma'am. You explained so beautifully with the help of some videos and examples that we have to live in this virtual world with the help of some body languages. Because right now it is the virtual world. It means we have to live in the real world. It means we go with the new thought. As you explained, there are two thoughts, one old and second is new one. So we would like to live in the new world. Today we have learned a lot of things from you. It was a beautiful session, ma'am. We will try to inculcate all these things in life and we'll try to teach our students all these things so that they will be ready for their interviews in the future. All blessings are with them. So many thanks, ma'am. It was a beautiful session. Thank you. Thanks. My pleasure addressing your people, and all the very best to all your students, and thanks to the faculty and staff who helped me with this session. I goofed up, but then you helped me out. Thank you so much. Namaskar. Namaskar.